तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का रायता। और आप सब नहीं खाया होगा, लेकिन जो मेरी रेसिपी है मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को वो ट्राई करनी चाहिए। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है चॉप्ड खीरा, और तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज, नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च आधा चमचा, ज़ीरा आधा चमचा, और यह है दही बड़े का मसाला। वैसे तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये हमने दही ली है, तकरीबन 1 कप दही है, ठीक है। खीरा भी हमारा बड़ा था, लेकिन सिर्फ एक खीरा था। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं, खीरा डाल देते हैं सबसे पहले। और इसके बाद हम प्याज ऐड करते हैं। सिर्फ सब चीज़ें इसमें ऐड ही करनी है और ये तैयार हो जाते हैं। बहुत इजी है, और कभी आपने खाना बनाने का मूड ना हो रहा हो तो आप सिर्फ रायते से भी काम चला सकते हैं। अब हमने मसाले ऐड करते हैं, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा और दही बड़े वाला मसाला जो बाज़ार में इजीली मिल जाता है, ये डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आपको तेज़ मिर्च खाना पसंद है। तो ये हमारा रायता तैयार है, और इसमें हरा धनिया भी डाला जा सकता है और इसमें पुदीना भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ डालती हूँ जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो है सूखा पुदीना। जी हाँ, ये ड्राई पुदीना है जिसका जो फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा आता है और स्मेल भी बड़ी अच्छी होती है। मैं हमेशा जो पुदीना बच जाता है मेरे यूज़ से उसको ड्राई करके रख लेती हूँ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी खीरे का रायता, और आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और बच्चों को भी बहुत पसंद होता है वैसे ये। चलो ठीक है, अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।